अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं, कैसे हैं, सेहतें और तबीयतें कैसी हैं। लाइव एट काजम अब्बासी फ्रॉम मदीर स्टेशन मलका कोसार से दोपहर के खूबसूरत वक्त से आप सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। ये है मरी का मौसम, अनएक्सपेक्टेड वेदर चेंज। जो लोग सुबह मेरे साथ थे और आते हुए जो बात कर रहे थे हम बर्फ की, तो आज कहते हैं ना कि चांस दूर दूर तक नहीं थे, लेकिन रब ताला के हाँ जितने चांस होते हैं वो बेहतर समझता है, तो वो चांस आज आपके सामने है। और इस टाइम अगेन स्नोफॉल का जो सिलसिला है वो शहर मरी शुरू हो चुका है और मज़ेदार स्नोफॉल हो रही है। मौसम कहीं पे मेरे बैक साइड में जो बादल हैं वहाँ पे धूप भी है, और इस साइड पे जहाँ से भी मैं जा रहा हूँ आप सबके साथ, यहाँ पे बहरहाल बर्फबारी हो रही है और बहुत ही मज़ेदार। जो देखना चाहते हैं मैं दिखाता हूँ बाहर निकाल के इसको मोबाइल को। ये इस टाइम अल्लाह पाक का बड़ा करम एहसान होता है, देखें मौसम किस तरह बदलते हैं। सुबह धूप है, अभी घंटा तक भी धूप थी और एकदम बादल आए और करते करते फिर अब बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो गिलियात में देख रहा हूँ तो वहाँ पे धूप भी है, बादल भी हैं और वहाँ पे मौसम बदला बदला भी है, लेकिन जो यहाँ है फिलहाल यहाँ पे अच्छी और मज़ेदार छोटी छोटी बर्फ़ है। ये पानी वाली है ज़्यादातर, क्योंकि अब उसका जो थ्रो है जनवरी में काफ़ी हार्ड होता है और फरवरी भी हार्ड होता है, लेकिन फरवरी में अक्सर पानी वाली हो जाती है। जी शाफियार साहब, दानी साहब, मरी है बाबा जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान है कि इसके मौसम कब बदल जाएं, किस टाइम बदल जाएं, ये रब ताला ही बेहतर समझता है और वही जानता है। हम तो बस प्रिडिक्शन को देखते होते हैं, फोरकास्ट चेक कर रहे होते हैं, उसके अलावा दूर दूर तक हालात नहीं होते, लेकिन घंटे बाद मौसम बदल जाए। तो इसीलिए मरी का मौसम, लाहौर का फैशन बदलते हुए वक्त नहीं लगता, और वो वक्त जो है वो आपके सामने है। अभी तो मैं अभी कार्ट रोड पे हूँ, इसी रोड पे मैं इसलिए सफ़र कर रहा हूँ कि सुबह की लाइव स्ट्रीमिंग इसी रोड पूरे की थी। आप सब जो मेरे साथ सुबह देख रहे थे वो भी, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि हम जब सुबह यहाँ से गुजर रहे थे तो स्नोफॉल नहीं थी, लेकिन अब जो है वो ज़बरदस्त और कमाल स्नोफॉल जो है वो हो रही है। भारत थोड़ी थोड़ी है, तेज़ है, जो भी है, लेकिन हो ज़रूर रही है, मज़ा बहुत आ रहा है। और अब मैं जैसे ही उसी रूट पे वापस पहुंचूंगा तो देखते हैं कि वहाँ के हालात उससे आगे के कैसे हैं और किस तरह सिचुएशन बन रही है। जी तैमूर साहब, थैंक यू। तैफूर साहब कैसे हैं सर, ठीक हैं, से ठीक ही। बर्फबारी ना मौसम है और खूबसूरत बर्फबारी ना मौसम चलना पे और कमाल रंग है, क्योंकि जी सर्दियां तो हैं ही बर्फबारी की, और सर्दियों में पहाड़ी इलाकों में बर्फ ना हो तो फिर वो सर्दियां कहाँ सर्दियां कहलाती हैं। जी तो मज़ा नहीं रहता उन सर्दियों का, तमाम ही बेस्ट हैं, जितना आपकी वो कहते हैं ना इस्तेआत हो उसके मुताबिक आपको जो बेहतर लगता है आप उसको देखें, आप उनको चेक करें और फिर आप उसको लें। तो तमाम जो मेन एरियाज में है तमाम ही ठीक है। इमरान भाई क्या हाल है जी, ठीक है, और हेल साहब कैसे हैं, ठीक है, से ठीक है आपकी। तो परसों भी हल्की बर्फबारी हो रही थी और आज भी हल्की फुल्की बर्फबारी शुरू है, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के रंग ही रंग है। स्नो एंजॉय जी आप भी करें, हम भी करें। अभी हम देखते हैं कुल्डन्ना और जगली के पास क्या हालात होंगे और वहां की सिचुएशन कैसी होगी, किस तरह की होगी। फरुख भाई क्या हाल है। तो फरुख भाई अभी बड़ी मज़ेदार कहते हैं ना कि मज़ेदार स्नोफॉल हो रही है हमारी में और बड़ी बेहतरीन। अरसलान भाई कैसे हैं, ठीक हैं, आदि क्या हाल है आपके, ठीक हैं, से ठीक है, ज़बरदस्त हैं। तो ये वो इलाका है जो बर्फ़ का, जिसको कहते हैं ना कि बर्फीला इलाका, जहाँ से भी हम गुजरेंगे कुल्डन्ना रोड हो गया, ये पूरी रोड होगी, फिर आगे गिलियात भरे पड़े हैं बर्फ़ से, और आज स्नोफॉलिंग से भी क्या ही मज़ेदार और कमाल रंग हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं। जी मजा आ गया यकीन मानो।
यहाँ पे कुल्डन्ना में तो वैसे भी इसका थ्रो बहुत होता है। कुल्डन्ना जब भी आप आए, कुल्डन्ना जब भी जाए, किसी टाइम भी आप निकले तो आपको बड़ा जबरदस्त थ्रो मिलता है इस बर्फबारी का। और यहाँ पे जो बर्फ है ना, सही इसको कहते हैं ना, मुंह को आके लग रही है और इतनी तेज है कि शायद आपको भी अब नजर आ रही हो। लेकिन मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि वहाँ का मौसम थोड़ा बदला है। आसमान भी नजर आ रहा है और नीला आसमान खूबसूरत, और नीले आसमान के साथ साथ बादल भी। तो क्रेन्स ऑन द मूव, क्योंकि जैसी बर्फ शुरू होती है इनको इनको अब यह है कि रोड पे चलना और एज पर ऑर्डर्स इनको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। पहले ये प्लानिंग होती, पहले ये हालात होते, क्या ही बात थी जी। बिल्कुल, मरी तो आपको पता है फरुख भाई, मरी का मौसम, लाहौर का फैशन कब बदल जाए ये तो कोई पता नहीं होता। जब सुबह में निकला तो जबरदस्त धूप भी थी, ठंड भी थी, ठीक है टेम्परेचर जरूर डाउन था, लेकिन ये तो किसी को भी कंफर्म नहीं था कि बारिश बर्फ हो सकती है। लेकिन अल्लाह को बेहतरीन, हु इज द बेस्ट प्लानर, वही है जो कि बेहतरीन प्लानिंग करता है और उसको पता है कि कब कहाँ किस जगह बेहतर और क्यों होनी है बर्फ। कुल्डन्ना चौक, और कुल्डन्ना चौक से फिर निकलते हुए हम आगे जाएंगे जी। कुल्डन्ना से जब आप जाते हैं तो फिर आपको खूबसूरत बर्फ नजर मिलती है, खूबसूरत कमाल। ये आप चेक करें गाड़ियों के ऊपर मजेदार पिंडी, तेज धूप है शान भाई। और देखें मरी में क्या हालात आपके सामने हैं। और कल पिंडी कीमा में भी था इस्लामाबाद, तो मुझे वहां पे अच्छी खासी गर्मी फील हो रही थी और वहां पे स्वेटर भी पहनना छो कहते ना कि मुश्किल था। और आज मरी देखें, खूबसूरत स्नो फॉलिंग जारी सारी, और दुनिया इंजॉय करने के लिए रुकी है, लोग इंजॉय करें बर्फ को, और यही रूई के गालों के मजे हैं जी। तो शेयर कीजिएगा जी, यहाँ पे लोग खड़े खूब एंजॉय कर रहे हैं और करना भी चाहिए उनके लिए, तो आइडियल है। और जो लोग आए हैं लकी हैं, तो आज तो बहुत एंजॉय कर। बहुत सोनी लगी है जी, ऐसा नहीं मान रहा है। बर्फबारी होनी है। चलो जी कैमरा की साफ करिए ना, गंदा हो गया। खान साहब की शॉल्स बराबर हो गई है, बहरहाल ये आप देख सकते हैं बर्फ की वजह से शॉल्स का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या हालात है शॉल्स के। खड्डी ठार हो गई है शॉल्स और सिजी भी गए सन। सिग्नल चले जाते हैं जी, सिग्नल को साथ देना चाहिए। स्टिल जी स्नो फॉलिंग, स्नो फॉलिंग। सिग्नल जा रहे हैं जी बाहर, सिग्नल्स का तो रब्ता टूटता ही टूटता है, लेकिन कोशिश पूरी होती है कि आपको दिखाएं, बताएं, खूब एंजॉय कराएं। मज़ेदार टाइम और आइडियल टाइम है इस टाइम, क्योंकि रश मश बिल्कुल नहीं है, खप सब से बालातर हालात वाकया चलते हुए। मलका कुसाद मरी के रंग, खूबसूरत रंग आपके सामने है। तो भी पूरे रूट जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ से होते हुए हम अभी जगह वैली तक पहुँच चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन जगह गली स्नो फॉलिंग हो रही है और यहाँ का जो कमाल मैं कहता हूँ इतनी खूबसूरत तरीके से कि मज़ा आ गया जी। तानी खान आई एम गुड, आप सुनाएं क्या हाल है।
क्या हालात है बांग्लादेश के, मौसम कैसा है? बन माल रोड एक्सप्रेसवे 3 किलोमीटर। क्या बात है, सुभान तेरी कुदरत, मजा आ गया आज यकीन। आप देखें मौसम, इस्लामाबाद वाले जो कह रहे थे कि मौसम, अब आप वो देख सकते हैं कि उनकी तरफ मौसम कैसा है। यहाँ पे बादल हैं, वहां पे बादलों के साथ धूप है सामने, लेकिन यहाँ पे फिलहाल बर्फ हो रही है। अच्छा पैच जो है अभी कुल्डन्ना रोड पे हमें मिल रहा है, जिनको सही स्नोफॉल एंजॉय करनी है वो कुल्डन्ना रोड और इवन अब गिलियाद की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो ये है जी हमारा जिगर गली बाजार हमेशा की तरह खूबसूरत, और जब भी यहाँ से गुजरे आपको बड़ी प्यारी सीनरी मिलती है, स्पेशली जिगर गली बाजार की। ये जिगर गली बाजार है जी, इसका मंजर यहाँ पे बर्फ साफ हो चुकी थी, क्लियर हो चुकी थी, और अब क्लियर होने के बाद की ये नजर है। अब खूबसूरत स्नोफॉल का सिलसिला इस टाइम पूरे जिगर गली बाजार स्टिल कुल्डन्ना रोड। लाल भाई क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक हैं, से ठीक है। ये देखिए क्या बात, क्या ही बात है। तो शेयर भी कीजिएगा जी, जितना आप सबसे हो सके, शेयरिंग जरूरी है, और शेयरिंग जितनी करेंगे उतनी ही फायदे होंगे दुनिया को। ये पूरा मरी, और ये देखें वाइट वाइट, अभी हम जहाँ आगे गुजर रहे हैं यहाँ पे आगे मौसम थोड़ा बदला बदला है, और यहाँ पे मौसम चेंज है। तो आज का मौसम शहर मरी, जो लोग सुबह मेरे साथ थे उनको बेहतर अंदाज़ा हो चुका होगा कि हालात वाकयात मौसम के कैसे हैं, किस तरह के हैं और कैसे चल रहे हैं, और उन्हीं के साथ साथ दुनिया माशाल्लाह एंजॉय करने के लिए मलका कोसार हमेशा आती है और उनके बेहतरीन टाइम गुजरते हैं। यहाँ पे ब्लर हो गया जी, इसको साफ कर रहा है। कमल करीम क्या हाल है आपके? ठीक है, वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल, मैंने कहा चले चलते चलते जहां हम जा रहे हैं उस सफर तक आप सबको जरूर अपडेट भी दें, खूबसूरत अपडेट। और जो लोग वाकई नेचर से प्यार करते हैं, इस मुल्क से प्यार करते हैं, और जिनका हमेशा अच्छी और मुस्बत सोच होती है, उनके लिए तो हमेशा मदी लाइव हाजिर है। और बाकी जो घर में भी कुछ नहीं, बाहर भी नहीं, तो उनके लिए तो खैर साइकेट्रिस्ट की सहूलियात मौजूद है। तो जी अभी यहाँ तक बर्फबारी हो रही है, शहर मरी बहरहाल पूरा कवर्ड है बर्फ़ से, क्योंकि जो मेरी बिल्कुल राइट साइड है, एक्सट्रीम राइट, वहाँ पे फुल कवर्ड है बर्फ़, जिसको कहते हैं ना कि लगी हुई है, और इसका सिलसिला रहेगा जी 1-2 घंटे। देखें कब तक रहता है, वापसी जब मेरी होगी तो मैं आपको ज़रूर वापसी पर भी अपडेट करूँगा, दिखाऊँगा। अभी के लेटेस्ट अपडेट आपके सामने है। तहर भाई थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूँ कि इस थोड़ी सी लाइफ को भी आपने अच्छा और खूबसूरत तरीके से एंजॉय किया होगा। बहरहाल ये आज का मौसम, आज का रंग मलका कोसार मरी, और लेटेस्ट अपडेट ये कि इस टाइम स्नो फॉलिंग बर्फबारी मलका कोसार मरी जारी और सारी है, और मज़ेदार बर्फ़ हो रही है बेहतरीन। और रोड, ये मेन रोड है जो कि निकलता है एक्सप्रेस वे की तरफ, रोड बहरहाल इस बर्फबारी से क्लोज नहीं होते, और इवन गिलियाद भी रोड फिलहाल उनके क्लियर हैं और जारी और सारी हैं। वहाँ पे ट्रैफिक भी, जो लोग नथी अगली साइड पे निकल रहे हैं, उस तमाम गिलियाद को खूब एंजॉय कर सकते हैं जी। भारत इस मौसम को एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, यही बेहतर और ज़बरदस्त तरीका है, और यही असल तरीका है जो कि इंसान को मिलता है कभी कभी। भारत धूप है हमारी पिंडी इस्लामाबाद की तरफ, और यहाँ पर है बर्फबारी जी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, और अपनी बड़ी एहतियात कीजिएगा, खैर से चलिएगा,
फिर आएंगे, मुलाकात करेंगे जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हम पहुंच चुके हैं अपने मकाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।